हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सब कैसे हो? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल एक्टिवेट विद रूमा। तो आज मैं मेरा जो डेली रूटीन का चैलेंज था वो आज कंप्लीट होगा 9 डे। तो 9th डे में मैं आज आपको दिखाऊंगी कि कुछ स्टेप्स जो होंगे हमारे आंखों के साइड में जो रिंकल्स हैं, इन रिंकल्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं हम। तो इसके लिए कुछ प्रेशर पॉइंट्स होंगे, मैं वो दिखाऊंगी, कुछ मसाज हैं वो दिखाऊंगी, और बैक पेन और फिर मतलब याददाश्त कमज़ोर हो जाती है ना आफ्टर 40 के बाद ही ना, कुछ कुछ हम याद नहीं आता है, या फिर कुछ लोगों को की याददाश्त थोड़ी कमज़ोर होती है, भूलने की आदत होती है, हो जाती है। ये उम्र की भी बात है, और क्या होता है, हम बहुत सारे कामों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं और हर काम में हम प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं, इसीलिए हमारा जो प्लान है वो बिगड़ जाता है और हम हर एक काम को भूलने लगते हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइज है और ये प्रेशर पॉइंट्स हैं, इन्हें आप अगर करेंगे तो ये कुछ हद तक रिमूव होगा। और साथ ही साथ हमें अपना जो मेटामाइंड का सप्लीमेंट है वो हमें लेना है और फ्लैक्स ऑयल लेना है। फ्लैक्स ऑयल से बहुत ही अच्छा काम होता है, हमारा जो LDL फैट है वो रिमूव करता है और HDL फैट जो दिमाग में होता है उसको इंक्रीज करता है। तो उसके लिए मैं ले लेती हूँ फ्लैक्स ऑयल। मैं आपको दिखाते जो होगा वो वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कुछ स्टेप्स जो हमारे रिंकल्स, जो आई साइड के जो रिंकल्स हैं उसको रिमूव करेगा। इसके लिए कुछ मसाज है, कुछ प्रेशर पॉइंट्स है वो मैं बताऊंगी। एंड सेकेंडली, हमारा जो आफ्टर 35 के बाद हमारी थोड़ी थोड़ी भूलने की आदत हो जाती है, मुझे तो होती है, मैं बहुत सारे काम एक साथ करती हूँ और टाइम मैनेजमेंट जब नहीं हो पाता है तब मैं कुछ काम भूलने लगती हूँ और मुझे बहुत ही चिड़चिड़ाहट होता है। तो ये एक एज फैक्टर भी हो सकता है या फिर टेंशन के कारण भी हो सकता है। और मल्टीपर्पज़ काम अगर करते हैं तो आपके साथ तो ये भी होना ही ज़रूरी है। तो कोई बात नहीं है, स्ट्रेस रिलीव करने के लिए भी बहुत सारे मतलब योगासन है। तो टाइम की वजह से मैं कर तो नहीं पाती हूँ लेकिन कोशिश करती हूँ करने के लिए, इसीलिए मैंने ये 10 डे सीरीज़ बनाया। क्योंकि अगर मैं ये 10 डे सीरीज़ नहीं बनाती तो जो रेगुलरिटी मेंटेन करने वाली बात होती है अपने साथ सेल्फ केयर के लिए, होता है ना, हम सारे के सारे काम करते हैं लेकिन अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। जैसे कि हमारा स्किन केयर हुआ, हेयर केयर हुआ और हेल्थ केयर हुआ है, तो सब कुछ मैं रेगुलर मेंटेन कर रही हूँ। तो उसीलिए मैंने ये सीरीज़ बनाया जिससे मेरे साथ साथ आप भी रिलेट कर सको, आप भी कर सको। तो इस मेरे पैर में एक दर्द हो रहा है, बहुत ही पेनफुल है, मैं जब सो के उठती हूँ तो मैं चल नहीं पा रही। तो ये काफ़ी, ये हमारे शरीर का जो बैड फैट है, जो LDL फैट है, जो कोलेस्ट्रॉल है, मतलब जो ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमता है, उस कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और रिमूव करता है, रिमूव करने में सहायता करता है। आपको पता होगा फ्लैक्स ऑयल, हम फ्लैक्सीड हम पराठे में यूज़ करते हैं, खाते हैं, उसे ड्राई रोस्ट करके भी खाते हैं। तो ये फ्लैक्स का ऑयल है, ये बहुत अच्छा है, ये हमारे जो दिमाग का जो फैट है, जो HDL फैट है, उसे इंक्रीज करता है और LDL फैट को डिक्रीज करता है, और हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है और फैटी एसिड है, तो बहुत ही अच्छा है। हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, हेयर के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। एंड सेकेंडली, ये है हमारा अमृत, ये है हमारा अमृत। मेरा जो मिनरल वाटर ख़त्म हो गया था तो मैंने इसे फिर मंगवाया है। ये है हमारा CMD कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स, कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स, कौन से ड्रॉप्स जो हमारे पानी को एल्कलाइन बनाता है, एसिडिक वाटर को एल्कलाइन बनाता है, और साथ ही साथ बहुत सारे पानी में जो है एंटी ऑक्सीजन निकल जाते हैं। जैसे इसके साथ साथ मतलब अगर आप RO वाटर पीते हैं तो इसमें जो उसका पानी का जो मिनरल्स है वो भी निकल जाता है, तो हम जो है नॉर्मली जो मिनरल्स है वो भी हम इंटेक नहीं कर पाते हैं। तो इससे हमारा जो है ना बहुत ही मतलब कैंसर होने की संभावना होती है, और ये जो प्रॉब्लम्स हो रहा है ना, मेरे पैर का हड्डी बढ़ रहा है, ये इस तरह का काफ़ी सारा जो प्रॉब्लम्स है, हमारा दिमाग तेज नहीं चलता है, तो ये सारे भूल जाना, ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये मिनरल की घटती के कारण होता है, मिनरल के। तो ये जो है ना, ये आप मतलब एल्कलाइन वाटर अगर आप खरीदते हैं तो आप देखोगे उसका कम से कम 10,000 के करीब लीटर ही है, आपने एडवर्टाइज में देखा होगा, जो हमारे VIPs हैं वो लोग लेते हैं। तो ये इसका प्राइस 1,000 रुपीज़ है। अगर आप इसे मतलब 1 लीटर पानी के साथ 10 ड्रॉप्स मिक्स कीजिए, ये बहुत ही अच्छा है। रियली मैं बोल रही हूँ, मेरा जो पैर का दर्द है काफ़ी हद तक कम गया था, मैं पैर नीचे नहीं रख पाती थी, बिल्कुल पैर नीचे नहीं रख पाती थी, तो जस्ट ये बिल्कुल भी अमृत। और इसमें ना मेटल के किसी भी मतलब जो है कंटेनर में नहीं रखना है आपको, आप फाइबर, मिट्टी या फिर कांच के
जार में रखकर पी सकते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7 तीन बार आप इसे मिक्स करके 1 लीटर पानी में आप 7 ड्रॉप्स डालिए और इसे जग कीजिए। जग करने के बाद 2-3 मिनट बाद आप इसे पीजिए। तो इससे जो होगा आप देखेंगे इंस्टेंट आपको एनर्जी मिलेगी ही और आपके बॉडी में एक अजीब सा ताकत आ जाएगा। तो ये मैं कोई एडवर्टाइज नहीं कर रही हूँ, ये रियली बहुत ही काम देने वाला प्रोडक्ट है। आप मैंने खुद यूज़ किया है उसी लिए मैं बता सकती हूँ कि ये सारे प्रोडक्ट्स कैसे हैं और इसका फ़ायदा क्या है। तो आप भी इसे इंटेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। तो मैं आपके सामने ही दिखाती हूँ। देखिए मैंने होम्योपैथी दवा किया, एलोपैथी दवा किया था, इससे कोई काम नहीं आया। ये वाला पानी जब तक मैं पीती रहती हूँ तो इससे मुझे काम होता रहता है। बहुत ही टेस्टी है, वैसे अलग कोई फ्लेवर नहीं आते आ जाते हैं। इसको रिमूव करने के लिए कोई ज़्यादा कसरत करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टेप्स हैं, 6 स्टेप है, हम उसे रेगुलर करेंगे तो ये वाला जो हमारा आंखों के साइड का जो रिंकल्स है वो निकल जाएगा। तो इससे सबसे पहले मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। आप ऑयल भी लगा सकते हैं, कोई भी बॉडी ऑयल, आमंड ऑयल। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, आप अपने आई साइड के जो स्किन है इसे आप मसाज करके ऊपर की ओर ले जाएंगे, ऊपर की स्किन ऊपर तरफ, नीचे की स्किन नीचे की तरफ। 10 टाइम्स कीजिए। इस सेकंड है इस तरह से करके, एंड थर्ड है आप इस प्रेशर पॉइंट पे, फिर मिडिल पे एंड लास्ट पे, यहाँ पर इस प्रेशर पॉइंट पे, यहाँ मिडिल पर, फिर लास्ट पर। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको करनी है पिंचिंग आईब्रोज को अपलिफ्ट करनी है, आईब्रोज को अपलिफ्ट करनी है। उसके बाद आपको करनी है फोरहेड को ऊपर की ओर मसाज करना है, फोरहेड को, फिर आईब्रोज को इस तरह पिंचिंग करनी है। सही है, एंड फोर्थ आपको आईब्रो को पिंचिंग मसाज देनी है, एंड फोर्थ जो है स्किन को ऊपर करना है। बस ये वाला कीजिए, इससे आपको फर्क जरूर नजर आएगा। देखिए आप, एंड और एक मसाज मैं आपको बताती हूँ। आपको एक घुटनों में दर्द हो रहा है, अब देखेंगे जब हम विंटर आता है तो हमारा जो है ना चारों तरफ बॉडी में अकड़न सी आती है, तो इसको रिमूव करने के लिए एक मसाज बस 3-4 मिनट कर लीजिएगा, पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। और जो मैंने कहा ना आपकी याददाश्त जो है ना वो भी, मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। तो करके देखिएगा, जस्ट मसाज करना है। एक बार आप कहीं पे भी बैठकर कर लेना, रियली ये बहुत अच्छा काम आता है। तो बस आज का वीडियो यहीं तक, थैंक यू वेरी मच अब तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।